तो आ गए, मलेरकोटला का खाना भी चख लिया। पर मलेरकोटला में एक और ऐसा रेस्टोरेंट है या ऐसी जगह है जहाँ पे मलेरकोटला में होकर भी जायका कहीं और का है, पर ये जायका इतना टेस्टी है कि हर जगह से मलेरकोटला के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ खाना खाते हैं। सो हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, अभी अभी बाहर निकले हैं, तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर कैसा लगा। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरीश मित्तल है। अमरीश जी, लोकल हैं आपकी, बाहर से आए हैं? मैं खन्ना से आया हूँ। मलेरकोटला काम से आए या फिर स्पेशली यहाँ खाना खाने? खाने ही आए हैं, मैं खन्ना से आया हूँ, ये गुरदासपुर से आए हैं। स्पेशली खाने आए हैं यहाँ पे दिल्ली सिक्स में, तो जब स्पेशली आए हैं तो चलो सवाल बनता नहीं, पर फिर ही पूछ लेते हैं, कैसा लगा खाना? अल्टीमेट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा। सबसे फेवरेट क्या है, मतलब जो चीज़ हर बार मतलब आते हो तो पक्का खा के जाओगे? कोरमा, मटन कोरमा, निहारी भी। निहारी मैंने नहीं खाई थी, निहारी फेसबुक पे देखते होते थे भी, दिल्ली में फेमस है निहारी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे खाई तो निहारी बहुत अच्छी लगी मुझे। कोरमा भी बहुत बढ़िया, जो टेक्सचर है मीट का वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, स्वाद और टेक्सचर मतलब लाजवाब, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा। सो अगली बार रिकमेंड करूँगा भी यहाँ पे जो चिकन लवर्स हैं, स्पेशली नॉन वेज लवर्स, वो ज़रूर विजिट करें। तो अगली बार आने का प्लान तय हो गया, कब आओगे अगली बार? हाँ, मंथ में ट्राई करेंगे भी, एक मंथ में एक विजिट तो ज़रूर दिया करें। आप कहाँ से आए? मैं बस गुरदासपुर से हूँ बेसिकली, ये मेरे रिलेटिव्स ने इन्हों को मैं इतने विजिट किया था, ये आए कि चलो आपको खिलाते हैं एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल खिलाते हैं, मैं भी है ना फूड ही थोड़ा पसंद आ, नॉन वेज में ज़्यादा खाता, तो ये मैंने कहते इतने सब तो है ना फेवरेट मेरी प्लेस है या कुछ भी आ, तो इतने टेस्ट किया बहुत मलेरकोटला में ला रहे हैं, एक जगह लेके जा रहे हैं, तो लगा था कि इतना खाना ऐसा अच्छा खाना मिलेगा? नहीं, मैं कभी नहीं इदा सोचा सी, उत्थे साडे सिंपल बनता गुरदासपुर, इधर कोई स्पेशल कोई इधर कोई प्लेस नहीं हैगी कि मेन उ है ना, लोकल ढाबे ने इतने मतलब खा के बहुत स्वाद लगा, टेस्टी सी। मैं ये चीज़ कहूँगा भी जैसे हम पंजाबी लोग स्पेशली बटर नान लच्छा परौंठा पे ही बैठे हैं, इनकी जैसे खमीरी रोटी बहुत बढ़िया है और रुमाली रोटी, मेरे को रुमाली रोटी शुरू से ही बहुत बढ़िया लगती है, खन्ना में कहीं नहीं मिलती रुमाली रोटी, तो कह लो एक रुमाली रोटी और खमीरी रोटी खींच लाई हमें, मतलब रोटियां ही खींच लाई, चिकन तो मतलब चिकन तो अलग ही लेवल पे है ना, हम लोग एक बस बटर नान और लच्छा परांठा तक ही बैठे हैं, तो खमीरी रोटी एक अलग चीज़ है, वो चीज़ भी आपको ट्राई कर, आपको हर रिलीजन का अलग अलग प्लेसेस का फूड ट्राई करना चाहिए, इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं, है ना जी। मोगा से स्पेशली आए हैं, तो सर क्या खींच लाया इधर? सर मैं हर हफ्ते आता हूँ खाना खाने के लिए यहाँ पे, फैमिली को लेके बच्चों को लेके हर हफ्ते आता हूँ खाना खाने के लिए यहाँ पे, बिरयानी वगैरह चिकन वगैरह सब यही खाता हूँ। सर आपका फेवरेट क्या है? सर यहाँ पे जो मेरा फेवरेट है बिरयानी है। बिरयानी है, हाँ जी। सर मैं पहली बार आया हूँ, नाम बहुत सुना है, तो मेरे लिए क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो आपको ये बोलूँगा आप यहाँ पे बिरयानी खाओ, बिरयानी बहुत टेस्टी होती है और निहारी वगैरह बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। बिहार बिरयानी और निहारी ये जो चीज़ें पक्का ट्राई करके निकलो। बहुत डिश है, बहुत बढ़िया डिश है की। चलिए मैं तो जरूर आता हूँ, पैक करा के लेके जाता हूँ बच्चों के लिए स्पेशल यहाँ से। मतलब पैक करा के घर जाता है? पैक करा के जाता हूँ, खा के जाता हूँ, पैक करा के भी लेके जाता हूँ। मतलब हर हफ्ते आते हैं, खा के भी आते हैं और घर वालों एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। यस सर, मतलब प्यार ही अलग है सर। चलिए अब हमें जितने भी लोग मिले सारे बाहर से आए, पर हमारे साथ एक लोकल भी खड़े हैं, ये इनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सर आपका नाम? मोहम्मद इकबाल जी। सर ये काफ़ी फेमस नाम है, बाहर से लोग आते हैं, लोकली आप भी रेगुलरली आते हैं, जरा थोड़ा बताइए। सर यहाँ की पहले तो सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट बहुत अच्छे है, और प्राइस का तो छोड़िए, बस प्राइस का तो फूड लेवल पूछते हैं। जैसे और कोई है ना बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और बहुत कम मटेरियल देते हैं, इनमें कम पैसे में फुल मटेरियल है और पेट भी पूरा है, पेट पूजा पूरी हो जाती है, पेट पूरा पूरी हो जाती है। ये आपके साथ कौन आए हैं? मेरे साथ भाई हैं हमारे, और ये कलकत्ता से आए हैं। तो कलकत्ता से आए हैं, फिर सर मतलब पैक करा के भी लेके जा रहे हैं, मतलब खाना लगता है बहुत स्वाद का? बहुत अच्छा है। ये लेके तीन चार बार खा लिया हूं, बहुत अच्छा है। तीन चार बार खा चुके हो, मतलब बस दिल कर गया? बस दिल कर गया, यहीं से खाना है। तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब बंदा पहली बार आ रहा है क्या खाए? यहां खाई मटन निहारी। मटन निहारी मतलब पहली चीज फेवरेट है? फेवरेट चीज। लोगों की राय सुन लिया आपने, कुछ देर में मैं अपनी भी राय दूंगा, पर आइए आपको शान दिल्ली सिक्स के ओनर जो इन सब चीज़ों को चला रहे हैं मुस्लिम सामा से बात कराते हैं। नमस्कार सर, पहले रियल फ्लेवर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सानू इस काबिल समझे। सर पहला सवाल यही है, माना जितने भी लोग मिले ज़्यादातर बाहर के हैं, ऐसा क्या है कि बाहर के लोग पहले ज़्यादा आ रहे हैं? शान दिल्ली सिक्स जिहड़ा पंजाब दे विच अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भी ऐसा एक रब ने सानू इनाम बख्शे है कि इत्थे जिहड़ा खाना बनता है
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਸ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਸ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨਿਹਾਰੀ, ਕੋਰਮਾ, ਮਟਨ, ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਤੋ ਅਗਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਮ ਖੁਦ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਹਮ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 8 ਸੇ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੇ ਥੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਏਰੀਆ ਮੇਂ। ਤੋ ਸਰ ਅਬ ਫਿਰ ਵਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਖਾਣਾ ਇਧਰ ਲਿਆਏ? ਹਾਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਖਾਣੇ ਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਮ ਐਸਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਏਰੀਏ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੋ, ਔਰ ਵਹੀਂ ਕੇ ਸ਼ੈਫ, ਵਹੀਂ ਕਾ ਸਟਾਫ, A to Z ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਵਹੀਂ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇਧਰ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੋ ਸਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲਗਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭੀੜ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਪਾਤਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਪਾਤਾ? ਜੀ 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 ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਮਾਨ ਆਤੇ ਹੋਏ ਲੈ ਆਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਧਰ ਸੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਬੋਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਸੇ ਗਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਚਲਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅਬ ਆਪ ਓਨਰ ਹੈ ਤੋ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰ, ਆਪਕੇ ਖੁਦ ਸਭਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਆ ਥੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੇ ਸਭਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਮੈਂ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਥਾ ਉਹ ਥਾ ਮਟਨ ਨਿਹਾਰੀ ਔਰ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਯਹੀ ਬਸ। ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਥਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਪੱਕਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮਟਨ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਰਮਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਏਰੀਆ ਸੇ ਹੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਜਿਸੇ ਕਹਿਦੇ ਹਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਬਸ ਅਬ ਇਨਾਮੀ ਸਭੀ ਲੋਗੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਖਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਅਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਤੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਅਕਸਰ ਆਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਰੂਟ ਮੋੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਜਾਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੀ ਬਗਲ ਮੇਂ ਤੋ ਚਲੋ ਵਹੀਂ ਚਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਸਟਮਰ ਯਹੀ ਕਹਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾਤੇ ਥੇ ਯਹੀ, ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਬਰਰਾ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਬਰਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੋ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਖਾਣੇ ਆਏ, ਜਬ ਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਮੋਸਟਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬ ਬਤਾਇਆ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੋ ਲੋਕ, ਅਭੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਕੋਈ ਥਾ, ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋ ਟੇਸਟ ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੀਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਾਰਾ ਸਫਾਈ ਪਰ, ਤੀਸਰਾ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾੜੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਦਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਏਗਾ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਾੜੀ ਖੜਨੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਤੋ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾੜੀ। ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਹਮ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਧਾ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਉਨਕਾ ਵਹੀਂ ਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੇ ਬਾਅਦ
यहाँ पर आदमी बैठ के खाता है फैमिली के साथ, ऊपर हमने बना रखा है सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए, बहुत अच्छा और बहुत पर्देदार। जैसे कोई जैसे हम मलेरकोटला से हैं, मलेरकोटला में मुस्लिम्स फैमिली ज़्यादा हैं, तो हमारा जो आप ऊपर जाके देखोगे ना कि वहाँ पर जो हमारा पार्टीशन हर कैबिन बना हुआ है अलग अलग, मतलब ताकि किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब हर बात का ध्यान रखा है, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, हर चीज़, क्योंकि आजकल यही चीज़ मायने रखती है। क्योंकि हाँ, स्वाद एक चीज़ है, पर कहीं ना लोग ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं। मैं तो यही बोलेंगे, नहीं वो देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आदमी जब खाना खाने निकलता है तो घर से निकलने से पहले वो यही सोच के जाता है अभी आज मैं इंजॉय करूँगा और सुकून से रहूँ। उसको जो जो चीज़ चाहिए हमारी कोशिश होती है, देखो हम इतने वो तो है नहीं बड़े रहते, लेकिन हमारी कोशिश होती है भी जब आदमी निकला है घर से वो हमारा गेस्ट है, कस्टमर बाद में है, पहले गेस्ट है, उसको हम अपने मेहमान की तरह उसका जो भी खाना है खाना खिलाते हैं जैसे भी हो। और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे दिल्ली में रेट हैं, हमने वो रेट भी नहीं रखे, उसका रीज़न था कि अगर हमने दिल्ली वाले यहाँ पर रेट रख दिए तो वहाँ का यहाँ का फ़र्क क्या रह जाएगा। जो चीज़ वहाँ पर 700 की मैं खुद खाने जाता था वो यहाँ पर हमारे 400-425 की ऐसे है। मतलब इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कस्टमर काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो सर मेरा आखिरी सवाल, तो सर मतलब हम बोल रहे हैं दिल्ली से आपका है सारा मैचिंग, तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ यूनिक जो आपने खुद बुलाया, खुद इन्वेंट किया, जो यहाँ पर हमें खाने को मिले, जो लोग और भी लोग आते हैं खाने के लिए, ज़रा वो बताइए कुछ। देखो हमारा यहाँ पर ना जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारी चिकन बिरयानी है जो, और हमारा चिकन बर्रा, और तीसरा हमारा नहारी। ये तीनों चीज़ें लोगों के व्यू हैं कि ये हमने आज तक ऐसा नहीं खाया। तो सर एक आखिरी सवाल, चलो वो तो पीछे हो गया, मैं पहली बार आया हूँ, कोई भी पहली बार आया, तो आप अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करेंगे किसी को भी, कुछ अलग स्टैंडर्ड से अलग? अगर मेरे को पूछोगे आप कि अच्छी चीज़ आपके पास कौन सी है, मैं कहूँगा मलाई बर्रा बेस्ट है, मलाई बर्रा। और जो हमारा मलाई बर्रा है ये समझो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिमांड रहती है हमसे पूरा नहीं होता, मतलब कमी रहती है इस चीज़ की। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो मलाई बर्रा है ना ये इतना ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है हमसे पूरा नहीं हो पाता सारा दिन। शुक्रिया सर। तो ये थे शान दिल्ली 6 की एक छोटी सी झलक। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप भी ज़रूर आके यहाँ पे खाना खाएं, पर अब मैं चलता हूँ खाना खाने। कैमरामैन चेतन के साथ अमित कुमार, आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर न्यूज़।